नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु लगन वकर राशि के लिए वक्री गुरु का प्रभाव। देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से वक्री होने जा रहे हैं और वो 3 फरवरी 25 तक वक्री रहेंगे। वक्री गुरु का प्रभाव धनु लगन व कर्क राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि धनु लगन व कर्क राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है। पहले भाव में 9 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका धनु लगन। चंद्रमा 8 नंबर में अष्टम भाव में बैठा है, 4 नंबर में, इसका मतलब है आपकी कर्क राशि। यानी आपका कॉम्बिनेशन अगर धनु लगन व कर्क राशि का है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। धनु लगन में देवगुरु बृहस्पति बनते हैं लग्नेश और चतुर्थेश, और इस समय वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का छठे भाव में गोचर शुभ नहीं है, लेकिन जैसे ही वह गुरु वक्री होंगे वो पंचम की तरफ जाएंगे तो धनु लगन के लिए वक्री गुरु शुभ हो जाएंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश बनते हैं और इस समय लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि से गुरु का गोचर शुभ है। लेकिन जैसे ही गुरु वक्री होंगे वो दशम की तरफ जाएंगे तो वो इतने शुभ नहीं रहेंगे, लेकिन तब भी दशम की तरफ गुरु का जाना इतना नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि दशम की तरफ जाकर भी गुरु की दृष्टि धन भाव पर तो रहनी रहनी है। यानी आपके काम बनते रहेंगे, आपको फाइनेंशियली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब यानी ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि धनु लगन से तो वक्री गुरु शुभ है, कर्क राशि से वक्री गुरु शुभ नहीं है, लेकिन इतने अशुभ भी नहीं है, काम आपके चलेंगे। यानी धनु लगन व कर्क राशि ऐसी कॉम्बिनेशन है कि गुरु के वक्री होने के बाद भी आपके कामों में विशेष बाधा नहीं आएगी। अब हम बात करें आपके कैरियर के लिए, क्योंकि धनु लगन से गुरु वक्री होकर शुभ हो रहे हैं और कर्क राशि से गुरु ऑलरेडी एकादश भाव में चल रहे हैं, तो कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। आप जॉब बदलना चाहते हैं जॉब बदल सकते हैं, वर्तमान जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है। साथ ही साथ क्योंकि गुरु वक्री होकर कर्क राशि से दशम की तरफ आ रहे हैं तो आपके वर्तमान जॉब में ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। आप अगर व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर अपने को वाद विवाद से बचाइएगा, हो सकता है कुछ उच्च अधिकारी नाराज हो जाएं या ऑफिस में गुरु के वक्री होने के बाद काम का बोझ कुछ बढ़ जाए आपके ऊपर, पर अपने हर वाद विवाद से अपने को थोड़ा सा दूर रखिएगा तो आप देखेंगे समय अच्छा निकल जाएगा आपका। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है क्योंकि गुरु पंचम की तरफ जा रहे हैं, उनका पढ़ने में मन लगेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी समय बढ़िया बना हुआ है। धनु लगन व कर्क राशि के जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते हैं उनके संतान प्लान करने के लिए समय बहुत अच्छा है। 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में आपकी कोई संतान से जुड़ी चिंता थी उसकी चिंता का निराकरण हो जाएगा, आपको संतान के संबंध में शुभ सूचनाएं मिलेंगी। धनु लगन के लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री हो रहे हैं। लग्नेश के वक्री होने का अर्थ है पुरानी बीमारी निकल कर आना। तो धनु लगन के जातकों को जनरली पैर से जुड़ी प्रॉब्लम होती है या फेफड़ों की या पेट की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप गठिया के पेशेंट हैं तो अपनी टांगों का ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे गैस वगैरह बने। फेफड़ों का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, फ्रिज की रखी चीज़ें मत खाइए, ताज़ा चीज़ें खाइए। तो इस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आप जो भी दवाई डॉक्टर दे रहा है उस दवा का कुछ कुछ हिस्सा जो है स्टार्टिंग का 1-2 गोली भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा दीजिए तो वो गोली आपको जल्दी असर करेगी। और जो दवा के लिए पानी लेते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए तो दवा जल्दी आपको असर करेगी। गुरु के वक्री होने के बाद आपको संतान को स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। अगर धनु लगन और कर्क राशि के जातक हैं और वक्री गुरु के बाद आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं कि हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उपाय कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप हर गुरुवार को हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, रोज गाय को रोटी खिला सकते हैं और गुरुवार को भीगी चने की दाल भी गाय को खिला सकते हैं। इस तरीके से गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करके आप अपने प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। पर ओवरऑल धनु लगन व कर्क राशि के लिए वक्री गुरु 58% तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। काम आपके बनते रहेंगे, कामों में कोई विशेष बाधा नहीं आएगी। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था कि धनु लगन व कर्क राशि के लिए वक्री गुरु 58% तक बढ़िया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।